हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हमें, मुझे और विनोद को इतना सपोर्ट किया, हमें बहुत सारा प्यार दिया। तो फ्रेंड्स, उसके लिए थैंक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके जा रहे हैं शिमला की कुछ हसीन नज़ारों में, तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखते रहिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है। देखिए मौसम, देख रहे होंगे आप, पीछे धुंध ही धुंध पड़ी हुई है और बारिश लगी हुई है यहाँ पे। तो दोस्तों, हम शिमला वापस आ गए हैं और ये देखिए मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो वैसे हमने मॉर्निंग में प्रोग्राम बनाया था घूमने का, लेकिन हम इवनिंग के टाइम शाम को घूमे, तो आगे दिखा। तो दोस्तों देखिए, मैं और पति देव जी निकल चुके हैं घूमने, तो हम आपको बताएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं घूमने। हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और मौसम भी अब थोड़ा सा साफ हो गया है, इवनिंग का टाइम है। तो देखो, हम आपको लेके जा रहे हैं अभी ये शिमला के पास, जहाँ पंथा घाटी के पास ये जो है एक मोनेस्ट्री है, तिब्बतियन मोनेस्ट्री। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो हम आपको आगे दिखाएंगे कि ये कैसी है, अंदर से कैसे दिखती है, और इन्होंने ये कब बनाई, क्या है इसके अंदर, तो ये पूरा आपको हम दिखाएंगे। तो दोस्तों, इसे देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो ये देखिए, ऊपर से ये दिखाई देता है इसका मेन गेट, तो यहाँ से एंटर होना है अंदर को, तो हम आपको दिखाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं और प्रियंका आज आ गए हैं घूमने। तो देखिए, आज हम आपको घुमाएंगे, यहाँ पे मोनेस्ट्री है, उसको आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, पीछे पीछे का व्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप नीचे देख रहे होंगे, ये मोनेस्ट्री है। तो दोस्तों देखिए, अब हम जा रहे हैं मोनेस्ट्री की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपने कभी आना होगा तो आपने पुराने बस स्टैंड से यहाँ पंथा घाटी की साइड को बस लेनी है। तो ये पंथा घाटी से निचली साइड को ये रास्ता जाता है, ये जो मोनेस्ट्री है ये सड़क से आपको दिख जाती है, तो यहाँ ज़रूर आइएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग भी जा रहे हैं अंदर, हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ का नज़ारा कैसा है। तो दोस्तों, कुछ हमारे प्यारे दोस्त हैं जो शिमला से बहुत दूर हैं, यहाँ नहीं आ सकते। तो क्या हुआ, उनके लिए हम लोग बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे और ये पूरी मोनेस्ट्री हम उनको दिखाएंगे, पूरी मोनेस्ट्री से हम उनको रूबरू करवाएंगे। तो क्या हुआ, वो इन हसीन नज़ारों को खुद नहीं देख सकते, तो हम उनको पूरा ये नज़ारा शिमला का दिखाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से हमें सपोर्ट दीजिएगा, हम भी आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे, ताकि हम लोगों को भी लगे कि हम लोगों ने जो है आप लोगों का अच्छा एंजॉय करवाया है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ देखते रहिए, और मोनेस्ट्री का व्यूज़ तो बहुत अच्छा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुँच ही गए हैं मोनेस्ट्री के पास। अब हम जा रहे हैं मोनेस्ट्री के अंदर, ये जो मेन गेट है हमने क्रॉस कर लिया है, आपको बैकग्राउंड में भी दिखाता हूँ। तो ये हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, ये शॉप है एक यहाँ पे, और बाकी नीचे को टेंपल है। हमने यहाँ से पूछा इनसे, तो इन्होंने बताया कि नीचे को है टेंपल, तो हम जा रहे हैं नीचे को। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे मोनेस्ट्री का व्यू, बहुत ही सुंदर है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप यहाँ शिमला में आए तो जरूर मैं यही आपको रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे जरूर इस मोनेस्ट्री को घूमने आए, बहुत ही प्यारी है ये मोनेस्ट्री। ये बैकग्राउंड देखिए, और
और ये जो है ये इनका मेन टेंपल है। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे पहुंचे तो इनकी पूजा पाठ का टाइम था और ये इन्होंने बैल की तरह लगाया हुआ है। इसकी बहुत ही मधुर धुन सुनाई देती है और इनका अपना ही म्यूजिक है। बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल नज़ारा देखिए, बहुत ही सुंदर मॉनेस्ट्री है ये फ्रेंड्स। तो आप जरूर यहाँ पे आएं और यहाँ पे देखें इसको। मॉनेस्ट्री में कितनी अच्छी है व्यू देखिए यहाँ का। तो ये जो यहाँ पे मॉनेस्ट्री है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा अद्भुत लग रही है। अभी इनके जो है आरती का टाइम हुआ है तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से सजाई हुई है और बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। दोस्तों इसके चारों तरफ जो व्यू है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पहाड़ों के बीचों बीच कितना सुंदर नज़ारा है और कितनी अच्छी और प्यारी मॉनेस्ट्री है ये, देखिए फ्रेंड्स। देखिए कितना खूबसूरत नजारा है। इनका म्यूजिक सुनिए कितना पीस और कामफुल है। और ये इन्फॉर्मेशन है मॉनेस्ट्री के रिगार्डिंग। और फ्रेंड्स ये मैं आपको बता दूं यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था। ये लेफ्ट हैंड साइड में ये गुरुजी हैं जिनका स्वर्ग निवास हो गया है, लेकिन फिर भी हमने आपके लिए कैप्चर कर ही लिया। बाकी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ के एक यहाँ की इन्फॉर्मेशन देंगे आप हमारे को कि यहाँ आपके कल्चर में क्या होता है और इस मॉनेस्ट्री में खास क्या है। हमने अंदर भी देखा यहाँ पे स्टैचू जो लगा हुआ था, हमें तो असली लग रहे थे वो बाबा जी जो आपके गुरु जी होते हैं, लेकिन हमारे को ये बताया गया कि वो गुजर चुके हैं, बाकी उनकी यहाँ पे मतलब पूजा पाठ हो रही है। तो प्लीज आप हमें अपने कल्चर से कुछ रूबरू करवाइए कि यहाँ पे क्या है। यहाँ मेरे से तो अभी जो हमारे गुरु जी हो रहे हैं उनको हो गया, हाँ शुरुआत हो गई 3 साल हो गए। 3 साल से अच्छा गुरु जी को 3 साल हो गए, 3 या 4 साल इतना हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद अभी बोला जा रहा है उनका वो क्या बोलते पुनर्जन्म हुआ है। इन गुरु जी का पुनर्जन्म भी हो गया, जन्म हो गया। तो कौन से स्थान पे हुआ है अभी वो देखने के लिए हम लोग पूजा कर रहे हैं। अच्छा वो देखने के लिए आप पूजा कर रहे हैं। पूजा कर रहे हैं और जो हमारे इससे बड़े गुरु जी हैं वो फिर पूजा करके करके बाद में लास्ट में अब ये जो पूजा खत्म हो जाएगा उसके बाद वो क्या बोलते हैं जो हमारे कल्चर में ऐसा देखते हैं मंदिर से और ये जो देखते हैं हमारे बारे में उसको मुँह बोलते हैं। मुँह बोलते हैं जो मंत्र पढ़ के देखते हैं आप। हिंदू का पंडित लोग देखते हैं, हाँ जी ऐसे करके हवन वगैरह करते हैं किस साइड में होगा ये देखते हैं, हाँ जी। वैसे हमारे शहर में बड़े गुरु तो ऐसा कुछ माला जाप के ऐसा माला जाप के फिर देखते हैं। अच्छा हाँ, उससे पहले चला कि या लद्दाख साइड में या हिमाचल का ये किन्नौर साइड में वहाँ पे हुआ है गुरु जी का पुनर्जन्म हुआ है लद्दाख या किन्नौर साइड में। अच्छा उसको देखने के लिए पूजा पाठ हो रही है कि गुरु जी कहाँ पे जन्मे हैं। गुरु जी के लिए, गुरु जी जहाँ भी हो स्वस्थ हो और उनका जो रहन सहन हो सब स्वस्थ हो, इसीलिए पूजा हो रही है। तो ये जो स्टैचू बनाया जो स्टैचू बनाया हुआ है आपने, ये किस लिए बनाया हुआ है? वो तो स्वर्गवास हो गया है उनका, ये इसीलिए बनाया हुआ है उन गुरु जी के याद के लिए। अब उनका जो ये स्टैचू भी इसके अंदर क्या है, अब जो हम लोग गुजर गए फिर वो कलश में हो कुछ रह के हम लोग जहाँ भी वो पानी में डालते हैं गंगा में डालते हैं। वैसे हम एक गुरु जी का ये गंगा में नहीं पाते, उनका मूर्ति के अंदर रखते हैं, उनका एक मूर्ति बना के उनकी याद के लिए मूर्ति के अंदर रखते हैं। अच्छा, और ये जो आपके दलाई लामा जी हैं सबसे बड़े गुरु हैं, तो ये मतलब आपके गुरु कैसे बनते हैं? मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि इन गुरु जी का मतलब स्वर्गवास हो गया है, लेकिन इनका मतलब पुनर्जन्म कहीं हुआ है लद्दाख या हिमाचल में किन्नौर के साइड में आप बता रहे हो, तो उसके बाद इन्हीं गुरु जी को आगे गुरु जी रखा जाएगा या कोई और गुरु जी बनेगा? इनका पुनर्जन्म हुआ है वैसे अभी इन्हीं को गुरु जी मानेंगे, यहाँ जो ये मंदिर है उन्हीं का है, जो इनका आएगा उनका भी पुनर्जन्म आएगा उन्हीं का रहेगा ये गुरु जी। अच्छा उन्हीं का रहेगा यहाँ का गुरु जी, लेकिन उनका पढ़ाई अभी पढ़ाई होगा उनका, वैसे सीधा उनको ये दिया नहीं जाएगा।
अच्छा, उनका पढ़ाई किया जाए, उनका पढ़ाया जाएगा, पर सब मंजिल से होगा उनका, सब जो भी टर्म एंड कंडीशन है, जो क्राइटेरिया है वो पूरा फुल्ली जैसे वो कर देंगे, तो उसके बाद उनको मतलब गुरु जी का स्थान यहाँ पे दिया जाएगा। फिर एक साल जब गुरु जी वो ये मंदिर देखने लायक हो जाएगा और उन मंदिर उनकी सहार में देने लायक हो जाएगा, फिर उनको यहाँ पे एक उनके लिए बड़ा पूजा रहेगी उस टाइम भी, फिर उनको फिर वो अभी जो बड़े वो है ना जो हमारे बारे में ठीक बोलते हैं ठीक, उनको ठीक दिया जाएगा, वो स्थान बड़ा दिया जाएगा। अच्छा, तो आप यहाँ पे देहरादून से आए हैं, तो आप देहरादून की मॉनेस्ट्री में करते होंगे पूजा वगैरह, आपका स्थान वहीं पे होगा? कमेंट डाउन है देहरादून, कमेंट डाउन बुद्धा मंदिर है वहाँ से हम। अच्छा, स्तूपा है ना जहाँ पे बड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, और ये जैसे आपके सबसे बड़े गुरु हैं दलाई लामा जी, तो उस तरह से जो सबसे बड़े गुरु जी हैं, जब उनकी भी एज हो रही है, मैं बोलना तो नहीं चाहूंगा, अच्छा भी नहीं लग रहा है यहाँ पे, लेकिन तो किस तरह से आपके गुरु को चूज करना चूज किया जाता है? गुरु को हमारे चूज करने का नहीं है, जो अभी अभी 14 चल रहे जो उनका बात की फिर आएगी उनका ये वो आएगा पुनर्जन्म आएगा, फिर वो जो हमारा जो हमारे ये बुद्ध धर्म का बड़े बड़े गुरु जी हैं वो लोग पूजा करेंगे, फिर वो लोग ऐसे पूजा करेंगे, फिर वो अभी जो मैंने बोला चाहते वो करेंगे, फिर उनको क्या बोलते 15वां वो पुनर्जन्म का होंगे वो देखेंगे। अच्छा जी, फिर हम पुनर्जन्म देखा जाता है, फिर उनके बाद दुनिया जाएंगे, वैसे ही होते हैं। चलो, आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमारे को अपने यहाँ पे कल्चर के हिसाब से, तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थी मोनेस्ट्री यहाँ पंथा घाटी में शिमला में, तो बहुत ही ब्यूटीफुल है फ्रेंड्स, और ये शाम का टाइम हो गया था, तो इसके बाद हम कर रहे हैं वापसी, तो इसको तो देखिए इतना सारा प्रसाद मिल गया है, कितना सारा देखिए, दोनों पॉकेट इसकी फुल हो गई है और चॉकलेट्स भी मिली है इसको यहाँ पे, लेकिन अपना तो कुछ नहीं बना। देखिए इसको, दोनों पॉकेट इसकी फुल हैं, देखिए कितना सारा इसको प्रसाद मिला है यहाँ पे, वाओ। तो प्रियंका जी, आप बोलेंगे कुछ? मुझे तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजा आया, और ये जो इनकी मोनेस्ट्री है ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और मुझे तो यहाँ पे बहुत मजा आया, और मुझे तो खाने के लिए भी यहाँ पे बहुत कुछ मिला है। ये देखिए इतना मिला हुआ है कि देखो दिखाने के लिए भी नहीं। और ये बिस्किट, तो मेरे को लगता है तो फिर डिनर तो आज बनना नहीं चाहिए, तो आज हम डिनर का करेंगे, क्योंकि इतना सारा भोज हो गया है मेरे पास, तो ये देखिए लड्डू, तो चलो अंधेरा भी हो गया है, चलते हैं। और ये देखिए मोती चूर का लड्डू, तो ये देखिए इधर मुझे अपना एक बेस्ट फ्रेंड मिल गया, लेकिन ये जो है कैमरे के नजर से छुप रहे हैं, तो मैं इनको कैप्चर कर रही हूँ। हेलो, कैसे हो? तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये आसमान में तारे हैं, लेकिन ये आसमान में तारे नहीं, ये शिमला के सुंदर नजारे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।